अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 8 स्थान की छलांग लगाकर करियर की बेस्ट 13वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं, जबकि इस रैंकिंग में मुरली विजय 12वें, चेतेश्वर पुजारा 14वें और विराट कोहली बैटिंग में 17वें नंबर पर हैं। हाल ही में होली होम से 59 सेकंड में नॉकआउट होने के बाद बॉक्सर रोंडा राउजी अपनी चोट से उबर नहीं पाई हैं। डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहकर हेड इंजरी का इलाज करवाना होगा। इस दौरान वो ना तो कोई फाइट कर पाएंगी और ना ही किसी तरह की कोई शूटिंग। हांगकांग ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पहले ही दिन इंडियन प्लेयर्स को हार का सामना करना पड़ा। साइना नेहवाल की गैर मौजूदगी में पीवी सिंधु, के श्रीकांत, जयराम ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा कोई कमाल नहीं दिखा पाए और अपना पहला ही मैच हार गए। इंडियन सुपर लीग में एटलेटिको डी कोलकाता ने चेन्नईन एफसी को 2-1 से हरा दिया। ब्राजील के राफेल अगोस्तो के पहले गोल के बाद मार्की प्लेयर इयान हुमे ने 63वें मिनट पर विजयी गोल दागा। इस जीत के साथ ही एटलेटिको सेकंड पोजीशन पर पहुंच गया है, जबकि चेन्नईन टीम लगातार तीसरा मैच हार कर सबसे लास्ट पोजीशन पर पहुंच गई है। टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर ने नोवाक जोकोविच के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही उन्होंने एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच इस सेशन में 3 बार फेडरर से हारे हैं। अब दोनों के बीच करियर रिकॉर्ड 22-21 का हो गया है। इंडियन बॉक्सर एमसी मैरीकॉम 2016 में होने जा रहे रियो ओलंपिक के लिए टेस्ट इवेंट में सिलेक्ट की गई हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने 6 इंडियन बॉक्सर्स की एक टीम बनाई है। इस ग्रुप में वो इकलौती फीमेल बॉक्सर हैं, जिनके साथ मेल बॉक्सर्स मनोज कुमार, सतीश कुमार शामिल होंगे। और जाते जाते आपको बताते हैं कि आखिर पीपल मैगजीन ने किस प्लेयर को चुना है वर्ल्ड सेक्सीस्ट मैन। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे डेविड बेकहम को पीपल मैगजीन ने वर्ल्ड का सबसे सेक्सी मैन का अवार्ड दिया है। 40 साल के डेविड 4 बच्चों के डैडी होने के बावजूद सेक्स आइकॉन बने हैं। लोग न सिर्फ इनके खेल को पसंद करते हैं बल्कि इनकी स्टाइल को भी फॉलो करते हैं। स्पोर्ट्स बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग दैनिक भास्कर.com।